नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आज 20वां दिन है। बुधवार को भी राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। आज सपा सांसद जया बच्चन और बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव समेत नए सांसदों ने शपथ ग्रहण की। इसके अलावा टीएमसी ने राज्यसभा में बैंक घोटाले पर चर्चा के लिए नोटिस भी दिया है। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली के राशन सिस्टम पर कई सवाल उठाए गए हैं। सामने आया है कि राशन की दुकानों का लाइसेंस रखने वाले और कई ऐसे परिवारों के पास भी नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड है जिनकी हैसियत नौकर रखने की है। 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर का कोषागार 34 साल बाद बुधवार को निरीक्षण के लिए खोला जाएगा। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक पीके जैना ने बताया कि 10 सदस्यीय एक समिति 4 अप्रैल को रत्न भंडार के तल, छत और दीवार की भौतिक स्थिति का निरीक्षण करेगी। तेलुगु देशम पार्टी के केंद्र में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ लेने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे पर आए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल से सांसद के केंद्रीय हॉल में मुलाकात की। बीजेपी ने अक्सर नाराजगी जताने वाले एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को संदेश भेजकर उनके किसी प्रतिनिधि को राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बनाने का ऑफर दिया है। ईटी को यह बात मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। जनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।